जिसमें उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करके और ब्लैकमेल करके दबाव बनाकर किस प्रकार से अपनी केसेस वापस लेना, भ्रष्टाचार करना इसकी कोशिश की गई, इसके बारे में एफआईआर है। अनिल जयसिंघानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब 4 से 5 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में उनके ऊपर 14 केसेस चल रही है और उनकी बेटी अनिक्षा जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था। और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई, उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ। और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। मेरी माँ गुजर गई है, उस पर मैंने किताब लिखी, आप उस किताब का विमोचन कीजिए, मैं 50 प्रमुख महिलाओं में आई, मेरा स्वागत कीजिए, ऐसे कई चीज़ें बताकर वो बहुत करीब आई। और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज़ को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था, और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए। और ये बोलना उसने शुरू किया, जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई, उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पति को, मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है। और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार हैं। और उसके बाद कई बातें और कही, और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए। और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया है, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए। और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। अब ये वीडियो क्या है, तो इसमें वो मेरी पत्नी को एक हार पहना रही है, मेरी पत्नी को अंगूठी पहना रही है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 2 वीडियो ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें एक वीडियो में वो बाहर कहीं पर एक बैग में पैसे भर रही है, और बाद में उसी प्रकार की बैग वो मेरे घर में काम करने वाली महिला को दे रही है। और फिर उसने कहा कि मैंने पैसा दिया। जैसे ही ये सारे वीडियोस आए, तुरंत मैंने एफआईआर करवाई, और एफआईआर करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंसिक जांच को भेज दिए, और पुलिस के कहे अनुसार हमने उनको एंगेज करना शुरू किया, क्योंकि अनिल जयसिंघानी ये फरार थे। फॉरेंसिक में ये तो बिल्कुल क्लियर कट रिपोर्ट आया कि जो पैसे भरी हुई बैग है और जो दी हुई बैग है उसमें अंतर है, और फ्रेम बाय फ्रेम बहुत
क्लियर कट, वो सारी बातें एस्टेब्लिश हुए, उसका क्लियर कट रिपोर्ट भी आया, लेकिन फिर भी हम उनको एंगेज कर रहे थे। और जब एंगेज कर रहे थे ऐसे समय इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है, कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं, और ऐसा मानना है कि शायद एमबीए की सरकार में अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत उन्होंने की थी, और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं। इसमें ये जो एफआईआर हुई थी उसके बाद ये सारी चीजें हम लोगों ने रिकॉर्ड पर लाई, उसी समय लाई। एफआईआर इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था क्योंकि ये जो एब्सकॉन्डिंग व्यक्ति था इसको पकड़ना था, इसके साथ एंगेज कर रहे थे क्योंकि ये वीपीएन से बात करता था, ये नंबर से बात नहीं करता था। इसलिए ये सारी चीजें जैसे जैसे बाहर आई, किंतु चूंकि एफआईआर हुआ था और वो एफआईआर होने के दो दिन में कोर्ट भेजना पड़ता है, इसलिए उसकी एक खबर आई, और खबर आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति छपड़ा नहीं है। शायद इसके कारण वो अलर्ट हुआ है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में ये बहुत ही निचला स्तर है। मैं किसी के ऊपर अभी आरोप नहीं करता क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए हैं, तो उसमें से कितनी चीजें सच है और कितनी झूठ है ये सारी चीजें तफ्तीश के बाद ही ध्यान में आएगी। लेकिन उसने मुंबई के एक पुराने पुलिस कमिश्नर का भी नाम लिया हुआ है और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जब मैंने पुलिस में पता किया तो जिस समय ये सरकार थी उस समय उसके केसेस वापस लेने की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके ऊपर कुछ नोटिंग भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये व्यक्ति जब छपड़ेगा तो पूरी कॉन्स्पिरेसी बाहर आएगी। और अभी पुलिस ने कुछ छापे मारे, कुछ कार्रवाइयाँ की है, मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि पुलिस की तफ्तीश में मैं ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहता, किंतु मुझे लगता है कि जो मैं लगातार कह रहा था कि जिस समय पुरानी सरकार थी कुछ प्रयास किए जा रहे थे, वो तो अलग प्रयास थे, एक नया प्रयास ये सामने आया है, और इसके एविडेंस जैसे ही मुझे मिलेंगे तो मैं बाकी बचे हुए एविडेंस भी आपके सामने लाऊंगा। कुछ चीजें चार्जशीट के माध्यम से आएगी, तब आपको मिलेगी। देवेंद्र जी आप मराठी मध्ये मी सभागृहात निवेदन केलेला आहे, हिंदीत झालं नव्हतं म्हणून हिंदीच्या सगळ्या पत्रकारांची विनंती होती की हिंदीत निवेदन करावं, म्हणून मी हिंदीत निवेदन केलं। देवेंद्र जी आपने बोला राजकीय कट आहे की नाही हे लवकरच ठरेल। इतक्या वेगवेगळ्या लोकांची नावं घेतली आहेत, पण एकीकडे प्रायव्हेटली ते सांगतात की यांनी सांगितलं, मग इनडायरेक्टली परत मेसेज पाठवतात की तुम्ही म्हणाल त्याचं नाव घेऊ, याचा अर्थ अशा लोकांवर विश्वास ठेवता येत नाही। आणि म्हणून जोपर्यंत पुरावा हाती येत नाही तोपर्यंत त्या संदर्भात मी बोलणार नाही। देवेंद्र जी आपने बोला, की पहले भी एक पूर्व मंत्री ने आप पर कुछ आरोप लगाए थे, उस केस से इस केस का कुछ लिंक है क्या? उस केस से इसका कोई ताल्लुका दिखता है? देवेंद्र जी आपने बोला कि कई अधिकारी उसमें शामिल हैं, तो क्या जब उनके नाम पता चलेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी? आप गृह मंत्री हैं। ऐसा है, उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, इसका मतलब वो सच है या नहीं है इसकी तफ्तीश के बिना तो नहीं किया जा सकता। कल को कोई हमारा नाम ले ले तो थोड़े हम कोई दोषी होते, इसलिए इसकी तफ्तीश होगी। जो बातें उन्होंने कही है, क्योंकि हम लोग तो एंगेज कर रहे थे, तो एंगेज करने में कुछ बातें उन्होंने मोबाइल पर कही है, कुछ उनकी बेटी ने प्राइवेटली कही है, उसको भी हमने उसी समय पुलिस को बताया है। तो ये पूरी केस डायरी चल रही थी, ये थोड़ा और समय शायद मिल जाता तो ये व्यक्ति भी हाथ में आ जाता। सर इसकी लेडी अरेस्ट हुई से क्या कुछ अपडेट देंगे? देवेंद्र जी कोई अरेस्ट? मुझे अभी अभी उसका अपडेट नहीं। सर आपने पिछला यानी अभी जो देखिए, मैं इसके बारे में इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप भी इसमें अटकलें मत लगाइए, जल्दी कई चीजें बाहर आएगी और चार्जशीट में तो बहुत ज्यादा चीजें आएगी, क्योंकि
कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हैं, कुछ आने बाकी है। कैसे वीडियो में पीछे से आवाज़ लगाई गई, ये चीज़ें भी ध्यान में आ रही है, तो ये सारी चीजें जल्दी बाहर आएगी। सर, डेढ़ वर्षापासून हे सगळं चालू होता रहे, आप मुझे लगातार अलग अलग तरीके से वही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदार नेता हूँ, इसलिए मैंने किसी का भी नाम लेने से पहले, कोई अपराधी किसी का नाम लेता है इसलिए वो नाम मैं यहाँ पर लूँ, ये गलत बात होगी। हाँ, उसमें अगर कोई भी सुराग मिलेगा तो नाम मैं पक्का लूँ।